नमस्कार जय हिंद डियर स्टूडेंट, आपको ये जो भाई है ये एसएससी जीडी के अंदर काफी हेल्प करने वाले हैं। इनके पास देखो इतने सारे क्वेश्चंस हैं, इतने सारे क्वेश्चंस हैं। चलो मैं बताता हूँ, क्या नाम है आपका? संदीप। आपका नाम क्या? सचिन वर्मा। सचिन, आपका नाम? गिरिराज नांगी। संदीप ये बताइए कितने क्वेश्चन आपने अटेंड किए और किस लेवल के क्वेश्चन? 62। लेंथी नहीं है क्वेश्चन, तो बाकी सब सिंपल है। क्वेश्चन बताते जाइए आप हमें कि किस प्रकार के क्वेश्चन थे। मैं मतलब एक एक टॉपिक से बता दूं? हाँ, एक एक टॉपिक से बता दूं। डिस्काउंट में थे, मतलब किसी ने उसको वो पूछा था, प्रॉफिट हो गया। हाँ। फिर उस पे मतलब हानि हो गई, फिर उसके दो मतलब 5-5% वो हुए, दो डिस्काउंट, 5% के दो डिस्काउंट हुए, तो फिर उसका वो बता रहा था कि इसको टोटल प्रॉफिट कितना हुआ। एक तो ऐसा प्रॉफिट वाला क्वेश्चन आ गया, ठीक है। डिस्काउंट और प्रॉफिट मिला के दिया था। डिस्काउंट और प्रॉफिट दोनों एक साथ में पूछे, एक ही क्वेश्चन में दोनों कर लिए थे, ठीक है। और उसमें पॉपुलेशन वाला था, पॉपुलेशन वाला 125,000 ऐसी वो थी पॉपुलेशन, वो बढ़ के कुछ हो गई थी, जो उनको बताना था कितनी, कैलकुलेट करना था क्या। अगर यूनिट डिजिट से करो, अगर ऐसे करोगे तो बहुत लेंथी जाएगा। उसका 51:51:51 आ रहा था, और यूनिट डिजिट में 1:1:1 बहुत सरल था, मतलब देखते क्वेश्चन बन रहा था। अगर यूनिट डिजिट इनसे करोगे तो ठीक है, नहीं तो फिर कैलकुलेशन। और उसके बाद पॉपुलेशन प्रॉफिट लॉस हो गया, और उसके अब उसमें मतलब एनोलॉजी से थे 3 क्वेश्चन, और उसके बाद सिटिंग अरेंजमेंट से 2 क्वेश्चन थे, चिन्ह बदलने वाले 2 क्वेश्चन थे, और पासा था उसमें तीन पासे दिए हुए थे, तीनों पर 6 दिया था, 6 के विपरीत ही पूछा था हमने, 6 के विपरीत, और उसमें आंसर 5 है। कोडिंग डिकोडिंग से 2 क्वेश्चन थे। और बताइए आप, और मतलब मैं अभी तो, और उसमें एक 2019 का वो पूछा था हमने, वो तो करंट में, तो करंट पढ़ने की जरूरत ही नहीं, मतलब एक दो क्वेश्चन आ रहे तो एक वो 19 का करंट कौन पढ़ने जाएगा। एग्जैक्टली। हाँ, तो ये है। और बाकी उनने एक वो पूछा था विनोबा, हाँ नहीं, सरदार पटेल ने कौन सा वो आंदोलन करा था, उसमें वो मतलब क्यों, किस रीजन की वजह से हुआ था, मुझे वो याद नहीं आ रहा क्या है क्वेश्चन, पर वो था उसमें। और वो जो उसका मोहिनी अट्टम है ना, उसकी माता या जन्नी जन्नी कौन है, दोनों मोहिनी अट्टम से ही थे। आपको करंट अफेयर्स के और कोई क्वेश्चन पता है? नहीं, करंट अफेयर्स के 2 क्वेश्चन थे बस, नहीं पता है। दो तीन ही क्वेश्चन थे जीएस वाले, जीएस के, जीएस में क्वेश्चन था कपिल देव वाला। हां, वो तो कपिल देव वाला बताया नॉर्मल। और एक ये पूछ रहा कि 2000 मतलब अभी हाल ही में 2017 में या 2018 में क्वेश्चन में दिया था कि इसमें मतलब ये हुआ था ना तीन तलाक वाला के आर्टिकल पूछे थे। अच्छा, मैं ये बोल रहा हूँ, आपने 69 क्वेश्चन अटेंड किए हैं, हिंदी के कितने क्वेश्चन अटेंड किए आपने? मैंने 19 किए। उसमें कहाँ वाला क्रिया विशेषण दिया था वो मैंने नहीं करा था, मुझे याद, हमने गलत होने। हिंदी के लगभग 2-3 क्वेश्चन ऐसे बताइए जो जिनसे हेल्प मिल सके। एक तो दिवाकर का पर्यायवाची पूछा था, उनको अंडरलाइन करके दिवाकर का पर्यायवाची पूछा था, और एक वो जल का पर्यायवाची नीर पूछा था, नीर आंसर है उसमें, ठीक है। और उनने विलोम एक भी नहीं आया, विलोम एक भी नहीं आया। और क्या पूछ रहा था हमने, मतलब एक वन वर्ड था, एक वो जो तारों की संख्या, तारों को गिन सकते वो वाला था, वन वर्ड में अनगिनत था, मतलब अनगिनत पर तारों को नहीं गिन सकते, वो वन वर्ड में था। और पर्यायवाची दो थे, जी ठीक नहीं होना था कुछ, जी ठीक नहीं होना उसका पूछा था, मुहावरा था। वन वर्ड में 4 दिए थे, उसमें से एक पूछा था कौन सा गलत है। मुहावरा मैंने लास्ट शिफ्ट में भी देखा था कि मुहावरा वहां से पूछा गया था, मुहावरे का शायद कौन सा था, एक क्वेश्चन था कि जितनी हेल्प ये भाई कर रहे हैं आपकी, शायद ही अभी तक के सुपर से लेकर शाम तक के वीडियो में किसी ने की होगी। लगभग लगभग देखिए, लगभग कहाँ से तैयारी करना चाहिए बच्चों को, और भी अगर आप सजेशन करें। तैयारी तो मैंने देखो, मैंने सेल्फ करी है, सेल्फ करी है। पर ये है कि कहीं से भी दो, पर टेस्ट जरूर देना है। टेस्ट दोगे तो, और टेस्ट में भी कैलकुलेशन वो रखनी है ज्यादा, मतलब स्मार्ट कैलकुलेशन रखनी है, यानी कि भाई लेंथी कैलकुलेशन नहीं है, पर वो स्मार्ट करोगे तो और भी टाइम बच जाएगा। और एक और था मैथ्स में, एक और मतलब संख्या दे रखी है, मतलब कोई दो संख्या थी, उनका एलसीएम था, उस एलसीएम 1 से बताया था और उसमें से 9 कम करना था, तो वो किसके बराबर है, मतलब ऐसा था ऑप्शन में 11, 13, 12 और 10 थे। वो मुझे एग्जैक्ट मैंने याद नहीं रहा, पर अभी तक उन्हें याद होगा, पर वो था, पर शायद एलसीएम वाला था, हाँ जो भी था वो, मतलब मैंने, मुझे याद नहीं आ रहा एकदम, क्योंकि मैंने लास्ट में 7 सेकंड में कर पाया उसको। तो संदीप ने काफी आपकी हेल्प करी है, काफी सारे क्वेश्चंस के ट्रिक बता दी आपको कि किस तरीके इसके क्वेश्चन आने वाले हैं। आई होप कि संदीप के द्वारा और वर्मा के द्वारा बताए गए क्वेश्चन से आपको जरूर हेल्प मिलेगी। अगर आपको ऐसे ही एनालिटिक वाले वीडियो, विश्लेषण वाले वीडियोस पसंद आ रहे हैं, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर कर दें,
ताकि मुझे मोटिवेशन मिल सके, मैं आपकी निरंतर हेल्प कर पाऊँ। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं फिजिकल की, क्योंकि सेकंड पड़ाव है फिजिकल का, सेकंड पड़ाव अभी मेरा तो कोई, मैंने इसमें जाने का भी नहीं है, मैं तो बस एग्जाम में फॉर्म डाल देता हूँ, बाकी दे देता हूँ, मतलब भी नहीं है। आप भी फिजिकल की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो बैचेस स्टार्ट है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। नंबर है मेरे 9691007672। जय हिंद।